सो ये क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है? तो आपको हर एग्जाम में ये भी मिल जाता है, और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है 2020 के एग्जाम में, सीजीएल सीजीएसएल किसी में भी पूछा गया है, याद नहीं मुझे। विच बोल रहा है कि 700 की 7800 की राशि एक वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का कितना अंतर होगा जब ब्याज का भुगतान किया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हाफ ईयरली यानी ईयरली का बोल रहा है कि अगर एक साल पे दिया जाए, तो अगर एक साल पे मान लो कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हो, तो एक साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हो, कोई मान लो 78 से अमाउंट जब ये दिया हुआ है, एक साल पे अगर हम दे रहे हैं किसी को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो या सिंपल इंटरेस्ट, एक साल के लिए तो दोनों सेम होता है, ठीक है? दूसरा साल ना ऐसा होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए 1000 रुपये मान लो दिए थे, 10% इंटरेस्ट ले रहे थे, तो एक साल बाद हमारे 1100 रुपये हो जाएगा। अब 1000 रुपये तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन जो 100 रुपये हमको इंटरेस्ट मिला उस पर भी हमको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में 1000 लिए, 1000 मान लो कि हमसे कोई लिया है, वो हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो 100 रुपया दिया एक साल, दूसरा साल भी वो 100 ही रुपये दिया देगा, क्योंकि जो 100 रुपया मिला है उस पर हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो हमको मिल गया है, जो 1000 है उसी पे बस मिलते रहेगा हमेशा 100 100 रुपया। और कंपाउंड में क्या होगा कि दूसरा साल 1100 हो गया तो टोटल 1100 मिलेगा, फिर 1100 का इंटरेस्ट मिलेगा, फिर जितना होगा टोटल अगले साल उस पर मिलेगा 10%। तो यहाँ पे एक साल में तो कोई अंतर नहीं आएगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसका 8% एक साल में मिलेगा, तो 7800 का अगर आप 8% निकालोगे तो नॉर्मली मतलब एक साल में कितना हमको मिलेगा, और अगर हाफ ईयरली कर तो क्या अंतर आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप 8% निकालो, सिंपल है, मतलब कुछ करना नहीं है, सिंपल से 8 8 64 और 7 56, 56 और 6 62, तो इतना रुपये हमको इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कर दोगे तो 4% और 4% हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आधा मिलेगा इंटरेस्ट, जब 6 महीना बाद मिलेगा तो इसका आधा मिलेगा, ठीक है? तो इसका आधा मिलेगा तो कितना मिलेगा, 3 1 एंड 2, इतना रुपये मिलेगा, और दूसरा बार भी इसका आधा मिलेगा, लेकिन जो पहला बार मिल गया है ये, इस पे भी 4% हमको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है? तो 312 का अगर आप 4% निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 4% कहने का मतलब क्या, इसको यहाँ पे 25 चौका 100 होता है, यानी कि 25 से आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना है, ठीक है? तो 25 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 25 एकम 25, तो एक तो बात कन्फर्म हो गया कि या तो 12 होगा या तो 19 होगा, तो यहाँ पे 5 और 6 62 हो जाएगा, 25 दूना 50 होता है, 9 बार में तो जाएगा नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 12.48 आपका क्या होगा, अंतर होगा हाफ ईयरली और अगर हम ईयरली निकाले तो, ठीक है? क्योंकि अगर हाफ ईयरली निकालोगे तो यहाँ पे इस चीज़ का भी इंटरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे 12.48, लेकिन अगर ईयरली निकालोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, एक साल बाद डायरेक्ट ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। कहानी खत्म, उम्मीद है समझ गए होगे आप भी। तो चलो और क्वेश्चंस देखते हैं।